नमस्कार दोस्तों, टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि ग्लेडियस के बल्ब को कैसे लगाया जाता है और इसकी सारी जानकारियां मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो ग्लेडियस के बल्ब होते हैं उसे लगाएं कब, क्योंकि उसे लगाना भी बहुत ही आसान होता है, लेकिन लगाने के लिए एक सही तरीका और सही मौसम भी बहुत ज़रूरी होता है ग्लेडियस के लिए। तो ग्लेडियस को आप टेरेस गार्डन और आपके अपने गार्डन में लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, जिसे कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक के महीने में बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। आप अगर इसे सालों भर उगाना चाहते हैं तो इसे सालों भर भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसे सालों भर उगाने के लिए इसे एक उचित व्यवस्था करनी होती है, जिसके लिए पॉली हाउस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है तो इसे पॉली हाउस में उगाया जाता है, जिसे कि सालों भर उगाया जा सकता है और जिसके फ्लावरिंग बहुत ही खूबसूरत होते हैं देखने में। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, जिसमें कि मैंने दिखाया है कि जो मैंने आज से 20 दिन पहले ग्लेडियस के बल्ब को ग्रो किया था उसका सक्सेसफुल रिजल्ट क्या रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये जो सभी ग्लेडियस के बल्ब हैं, इन सभी में अंकुरण स्टार्ट हो चुका है और इसे लगाने के लिए जो सही समय है वो आ चुका है। तो मैं आज बताऊंगा कि इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स है, जो सोइल है, उसे हम कैसे बनाएं, क्योंकि जो ग्लेडियस के बल्ब होते हैं उसे हम अगर वेल रेन सोइल में ग्रो करें, जो बलुई मिट्टी होते हैं अगर हम इसमें भी ग्रो करें, तो इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है और इसमें फ्लावरिंग भी है वो जल्द ही आते हैं, क्योंकि जो ग्लेडियस के बल्ब होते हैं ग्रो करने के 3 से 3.5 महीने के बाद फ्लावरिंग करने लगते हैं और इसमें जो इसका ग्रोथ है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने ग्लेडियस के बल्ब को ग्रो करने के लिए पॉटिंग मिक्स ले लिया है, जिसमें कि मैंने 50% जो है वो नॉर्मल गार्डन सोइल लिया है जो कि टोटली वेल ड्रेन है, 40% जो है मैंने सैंड ले लिया है जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाता है फ्रेंड्स, और 10% मैंने डीकम्पोस्ट काउडंग ले लिया है। अब मैं सभी मिक्सचर को मिक्स कर दूंगा और इसके बाद मैं बल्ब को ग्रो कर दूंगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि जो मैंने पॉटिंग मिक्स लिया था उसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे जो है एक पॉट में भर दूंगा और इसके बाद ग्लेडियस के बल्ब को लगा दूंगा। फ्रेंड्स, मैंने ग्लेडियस के बल्ब को ग्रो करने के लिए एक मिट्टी का गमला ले लिया हूँ, जिसका आकार बहुत ही अच्छा है। इस मिट्टी के गमले में मैं बहुत ही आसानी से 4 से 5 बल्ब लगा सकता हूँ जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। अब मैं इस गमले में कुछ टूटे हुए टुकड़े डाल देता हूँ, जिससे कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो मैं इसमें जो है कुछ टुकड़े डाल देता हूँ, जो गमले के टुकड़े होते हैं, और इसके बाद मैं इसमें पॉटिंग मिक्स को भर देता हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने इस गमले में पॉटिंग मिक्स को भर दिया है। अब मैं इस गमले में 4 बल्ब को लगा दूंगा, क्योंकि 4 बल्ब इसमें आसानी से लगाए जा सकते हैं, जिसके ग्रोथ बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो मैं इसमें 4 बल्ब को लगा देता हूँ। बल्ब की ऊपरी हिस्से को हमेशा ही ऊपर ही रखें फ्रेंड्स, जिससे कि जो है इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। बल्ब को थोड़ा नीचे दबाकर लगाया जाता है, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा पॉटिंग मिक्स डाल दूंगा। मैंने ग्लेडियस के बल्ब को इस गमले में लगा दिया है और इसके बाद मैं जो इसके ऊपरी हिस्से हैं उसे भी मैं सोइल से ढक देता हूं, जिससे कि इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा।
फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने जो है ग्लैडियस के बल्ब को लगा दिया है और इसकी ऊपरी सतह पे भी मैंने जो पॉटिंग मिक्स है उसे भर दिया है। और हमेशा ध्यान रखें कि जो इसकी ऊपरी सतह है, जो इसमें जो ग्रोथ आ रहे हैं उसे हमेशा ही ऊपर रखें मिट्टी से, तो इसके ग्रोथ बहुत ही अच्छे होंगे। अब मैं इसमें वाटरिंग कर देता हूं और वाटरिंग करने के बाद मैं ऐसे जगह पे रख दूंगा जहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आते हो, जिसे सेमी सेट कहा जाता है, जिससे कि इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा और इसमें जो है फ्लावरिंग जल्दी आएंगे। ग्लैडियस के बल्ब को ग्रो करने के बाद इसमें मैं वाटरिंग कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ग्लैडियस के बल्ब को लगाने के बाद इसमें मैंने वाटरिंग भी कर दिया है और यह बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। अब मैं इसे सेमी सेड में रख दूंगा 2 से 3 दिनों के लिए और उसके बाद मैं इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दूंगा, जिससे कि इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जो मैंने आज से 20 दिन पहले ग्लैडियस के बल्ब को लगाया था उसके सक्सेसफुल रिजल्ट क्या रहे हैं और उसके ग्रोथ कैसे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ये ग्लैडियस के बल्ब को आज से 20 दिन पहले लगाया था, जिसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा चल रहा है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 4 बल्ब को लगाए थे, जिसमें कि 3 बल्ब जो हैं बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और 1 बल्ब जो है वो भी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन इसमें ग्रोथ थोड़ा हल्का आ रहा है। तो बताना चाहूँगा कि आप भी ऐसे ही ग्लैडियस के बल्ब को लगाएं, जिससे कि लगाना बहुत ही आसान है और जिससे फ्लावरिंग जो है वो बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्लैडियस के बल्ब होते हैं उसे ग्रो करने के बाद हम इसमें केयर कैसे करें। तो सबसे ज़रूरी बात जो आती है, इसमें हम वाटरिंग कब करें और कितना करें। तो आप इसमें वाटरिंग जो है वीक में 2 ही बार करें, जिससे कि इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। आप अगर इसमें वाटरिंग ज़्यादा करेंगे तो जो इसके बल्ब हैं फ्रेंड्स वो गलने लगेंगे और इसके ग्रोथ जो है वो रुक जाएंगे। तो इसमें वाटरिंग तभी करें जब इसके ऊपरी सतह जो है वो सूखने लगे, तो इस टाइम में इसके वाटरिंग ही करें। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्लैडियस के बल्ब होते हैं हम उसे लगाने के बाद कहाँ पे रखें। तो आप ग्लैडियस के बल्ब को हमेशा ही फुल सनलाइट में रखें, क्योंकि जो इसके ग्रोथ हैं फ्रेंड्स फुल सनलाइट में बहुत ही अच्छे होंगे और इसके फ्लावरिंग भी हैं वो बहुत ही अच्छे आएंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो ग्लैडियस के बल्ब होते हैं इसमें हम फर्टिलाइज़र क्या यूज़ करें, तो बताना चाहूँगा कि आप इसमें फर्टिलाइज़र जो है हमेशा ही काऊ डंग, जो डी कम्पोस्ट होते हैं, और वर्मी कम्पोस्ट ही यूज़ करें, जिससे कि इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। आप इसमें रासायनिक खाद बिल्कुल ना यूज़ करें। अगर आप इसमें रासायनिक खाद यूज़ करेंगे तो इसके बल्ब जो हैं वो गलने लगेंगे और इसके जो ग्रोथ हैं वो रुक जाएंगे। तो आप हमेशा जो है इसमें वर्मी कम्पोस्ट और काउडंग ही यूज़ करें, जिससे कि इसका ग्रोथ और इसके जो फ्लावरिंग है वो अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेरेस गार्डन को, और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लांट्स से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना और अपने प्लांट्स की केयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।